नमस्कार, मैं ऋषिकेश जहांगीर, मेरे इस YouTube चैनल आर्ज पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक हमारा चल रहा था क्लॉक, उसका सेकंड पार्ट लिखे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्लॉक घड़ी में हम किस प्रकार से एंगल के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, तो अपन बेसिकली वो देख रहे हैं, है ना। तो एक जनरली मैं घड़ी का अगर ड्राइग्राम बना के दिखाऊँ आपको कि भैया मैंने ये क्लॉक बनाई है, घड़ी बनाई है, ठीक है। घड़ी में यहाँ पर लिखा होता है 12, यहाँ होता है 3, 6 और 9, ये तीन चीज लिखी हुई है और तीन सुई होती है इसके अंदर। सुई मतलब हैंड जिसको बंद कर सकता है। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है हमारे पास पावर है, दूसरी होती है हमारे पास मिनट है और तीसरी होती है सेकंड है। ये तीन सुइयां हमारे पास होती है। तो मैं तीनों के बारे में तीनों बारी बारी से बात करूंगा। सबसे पहले मैं ओवर एंड को ले रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास ओवर है, मतलब इसको हिंदी में लिखे तो घंटे की सुई के बारे में पढ़ रहा था, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि एक घंटे की सुई, घंटे वाली जो सुई होती है हमारे पास, वो अभी अगर 12 पर है, 12 पर है, तो वापिस 12 पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। तो मतलब ये कह सकते हो आप कि 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा है घंटे की सुई। तो 12 घंटे में अगर एक चक्कर पूरा कर रहा है तो एक चक्कर में कितने डिग्री होता है? तो उसको अपन ये कह सकते हैं 360 डिग्री। ये बात ध्यान रखनी, कोई भी चीज एक चक्कर पूरा करती है तो वहां पर 360 डिग्री कोण बनता है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो अपन क्या करते हैं, भाग लगाते हैं 360/12। ये आ जाएगा अपने पास, कटेगा ये 12 36 3, तो ये आ गया 30 डिग्री। समझिएगा, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। मतलब अगर कोई सुई 12 पर है घंटे की, तो 12 से 1 पर आएगी, मतलब कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री कोण बनेगा। अब एक जनरली क्वेश्चन ले कि घंटे की सुई अभी 12 है, 12 से 3 पर आ रही है, मतलब 3 घंटे का टाइम जा रहा है, और 3 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगा? तो अपन क्या कह सकते हैं, एक घंटे में अगर 30 डिग्री कोण बन रहा है तो 3 घंटे में 30 × 3 मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। अगर कोई पूछे कि घंटे की सुई मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, तो इसको मिनट में चेंज करते हैं, 60 मिनट। एक घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना डिग्री? 30/60। तो ये हो गया, एक मिनट बराबर हो जाएगा 30/7, कट जाएगा ये 1/2 डिग्री। एक मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाएगा, कौन? घंटे की सुई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं सेकंड में कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 1/2 डिग्री, तो 1 सेकंड ये इधर आएगा, 60/2 में आएगा, 1/2 × 60/2 में हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में 1/180 डिग्री कोण है। तो ये हमने जनरली बात करी किसके लिए? ओवर एंड के लिए, घंटे की सुई के लिए। घंटे की सुई तीन प्रकार से एंगल बनाती, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती, घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है, घंटे की सुई एक सेकंड में 1/120 डिग्री कोण बनाती है। तो ये तो हमने जनरली बात की घंटे की सुई की। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की सुई के बारे में, बात करते हैं जिसमें लिखा अपने पास मिनट है। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई की, मिनट की सुई के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं मिनट की सुई, मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट पूरे होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो एक चक्कर कट रहा मतलब एंगल तो डिग्री तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो अपन यहाँ लिखा कि 60 मिनट में अपने पास कितने डिग्री? 360 डिग्री कोण बन रहा है, एक चक्कर में 60 मिनट और एंगल डिग्री कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 360/60, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36, तो कितने डिग्री हो गया? 6 डिग्री।
इस बात को समझिएगा, मिनट वाला जो सुया है या सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री घुमाती। अगर वो पूछे थे सेकंड में कितना बनाती तो क्या कह सकते हो, एक मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में 6 डिग्री। तो एक सेकंड में कितना डिग्री, 6/60 कट जाएगा, कितना हो जाएगा एक सेकंड में 1/10 डिग्री। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती, मिनट की सुई एक सेकंड में 1/10 डिग्री कोण बनाती। अब हम बात करते हैं सेकंड की सुई का, सेकंड है तो थर्ड जो अपना पास रहेगा सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड हैंड, सेकंड हैंड में क्या होता है कि ये अगर सेकंड का काटा है तो सेकंड काटा एक बार घूम के जाएगा, मतलब कितने सेकंड होंगे एक बार घूमने में, एक बार घूमने में और 60 सेकंड होता है, तो हम ये कह सकते हैं 60 सेकंड में 360 डिग्री। पुरानी कहानी, तो एक सेकंड में कितने डिग्री, 360/60, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा एक सेकंड 30 डिग्री, एक सेकंड में 30 डिग्री। तो ये तो हमने जनरली बात करी है कि भैया तीन जो काटे होते हैं, सुई होते हैं, हैंड होते हैं, तो कितने एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसको हम बात करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखें जो अभी हमने पढ़ा उसी के बेस्ड 4 क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेकंड की सुई द्वारा 15 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो अगर अपन देखें सेकंड की सुई द्वारा 15 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि एक सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे करूँ, फर्स्ट का अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो हम ये देखते हैं एक सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा 6 डिग्री कोण बनता है, तो 15 सेकंड में ये लो 15 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 6 × 15, सीधा सा कंसेप्ट है, ठीक है। 6 × 15 क्या, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। छोटा सा क्वेश्चन, सेकंड की सुई द्वारा 15 सेकंड में 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे 40 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पर की नोड है अपने पास घंटे की सुई, तो घंटे की सुई वाले कंसेप्ट को देखना आपको, ठीक है। तो 4 घंटे 40 मिनट पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनता था, घंटे की सुई का 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनता था, 30 डिग्री, हमने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, ठीक है। कितना पूछा आपको, 4 घंटे पूछा, तो ये लो 4 ओवर, तो क्या हो जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा 4 × 30, तो मिलेगा 120 डिग्री। 4 घंटे में 120 डिग्री, ये आपका 4 घंटे का निकला। आगे क्या पूछ रहा है, 40 मिनट, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा एक मिनट में कितने एंगल होगा, घंटे की सुई का एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आधा डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास आधा डिग्री। कितने पूछा है, 40 मिनट पूछा है, तो ये लो 40 मिनट, तो 1/2 × कितना हो जाएगा 40, है ना, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, तो यहाँ पर आ गया 20 डिग्री, ठीक है। तो आप एक चीज देखिएगा कि 4 घंटे में 120 डिग्री और 40 मिनट में 20 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या, 4 घंटे 40 मिनट दोनों कंबाइन पूछा, तो कितने हो जाएगा टोटल, अगर अपन देखें तो हो जाएगा 4 घंटे का हो जाएगा 120 हो जाएगा और 40 मिनट का 20 डिग्री और हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल 140 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है, यही क्वेश्चन रिपीट किया, वही घंटे की सुई लिए, टाइम मैंने बदल दिया 6 घंटे और 45 मिनट कर दिया, है ना।
तो अपन वही चीज देख रहे हैं। तो देखें 6 घंटे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 घंटा मतलब घंटे के सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 × 30 ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है 45 मिनट, मतलब आपको लेना है 1 मिनट, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, अभी मैंने लिखा आधा डिग्री, तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2 × हो जाएगा 45, 45/2 अगर आप काटना तो काट दो उसको, या फिर भाग लगा दो भाग लगा दो, ये 45/2 कितना होता है 22.5 डिग्री होता है, आप कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है कि भैया 45 मिनट में इतने डिग्री कौन, 6 घंटे में इतने डिग्री कौन, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, टोटल अगर अपन देखें तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 180 + 22 = 1/2, 1/2 आप साइड में रखिए कोई दिक्कत नहीं, आधा डिग्री कौन को आप साइड में रखें, 180 और 22 को आप प्लस कर लें कितना हो जाएगा वो 202, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि घंटे की सुई का 6 घंटे और 45 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 202 डिग्री, 202 और आधा डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा था, मिनट की सुई 30 मिनट और 20 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी, अब मिनट की सुई का क्वेश्चन दिया है ना, तो मिनट की सुई अगर अपन देखें 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, ये आपको याद होना चाहिए ना, अभी अपन ने आप पेज को चेंज करें, हाँ एक बात और, आप जो भी देख रहे हो उसको आप लिखते जाइए साथ साथ, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और ये अपने काम भी आता जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 × 6 तो ये आपको हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब 20 सेकंड और पूछा है तो यहाँ पर 20 सेकंड और लिख देते हैं, 20 सेकंड से पहले आपको 1 सेकंड का पता होना चाहिए, मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है, 1/10, क्या लिखेंगे अपन 1/10 डिग्री, कितना पूछा है 20 सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 20 सेकंड, ठीक है। तो 1/10 × 20 तो ये हो जाएगा अपने पास कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री, मतलब क्या समझे आप, 20 सेकंड में 2 डिग्री और 30 मिनट में कितने डिग्री, 180 डिग्री, पूछा क्या आपको 30 मिनट और 20 सेकंड दोनों कंबाइन पूछा है, इन दोनों का कंबाइन पूछा है, तो कितना हो जाएगा अपने पास 180 और 2 कितना हो जाएगा 185 डिग्री, तो ये था अपने पास क्वेश्चन है ना। अब हम आगे वाले वीडियोस में थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इस कंसेप्ट को, अभी तक के लिए अपने पास यहीं पर रहेगा, थैंक यू।